बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झिंगियानी के पति को लेकर एक दुख भरी खबर सामने आई है, जिसने फैंस को चिंता में डाल दिया है। उनके पति और एक्टर प्रवीण डबास का एक्सीडेंट हो गया। सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस समय वो आईसीयू में हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उनके इलाज में लगे हुए हैं। मुश्किल घड़ी में एक्टर की वाइफ एक्ट्रेस प्रीति झिंगियानी अस्पताल में उनके साथ हैं। हादसे के वक्त प्रवीण खुद ही कार चला रहे थे। एबीपी न्यूज के मुताबिक प्रीति झिंगियानी ने बताया कि मैं और मेरा परिवार इस घटना के बाद काफी डरे हुए हैं। मेडिकल अपडेट के मुताबिक उन्हें सीरियस कंसर्शन है, ये जानने के लिए कहीं उन्हें और अधिक डैमेज तो नहीं हुआ। डॉक्टर सिटी स्कैन और भी कई ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिलहाल उनके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है। इस हादसे से पहले वो लीग के वर्कलोड के चलते काफी बिजी थे। सुबह कार चलाते वक्त ये हादसा हुआ। बता दें कि प्रवीण 50 साल के हैं। 2008 में उन्होंने प्रीति झिंगियानी से शादी की थी। उनके दो बच्चे भी हैं। प्रवीण और प्रीति की मुलाकात विद लव तुम्हारा फिल्म के सेट पर हुई थी। शूटिंग करते हुए इन्हें प्यार हुआ और बात शादी तक पहुंच गई। इसके बाद दोनों ने सेवन एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी भी शुरू की। वहीं प्रीति झिंगियानी ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें राजश्री प्रोडक्शन के म्यूजिक वीडियो छुई मुई सी तुम में अभिनय करने का मौका मिला था, जो कि उस दौर का हिट वीडियो साबित हुआ। इसके बाद उन्हें कुछ टीवी विज्ञापनों से काफी लोकप्रियता हासिल हुई। उन्हें 1999 में मजहब विल्ला नामक मलयालम फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। इसी साल प्रीति ने तेलुगु फिल्म तम्मूदु में भी अभिनय किया। दो अलग अलग भाषाओं में काम करने के बाद प्रीति को पहली बॉलीवुड फिल्म मोहब्बतें मिली थी। इस फिल्म के बाद प्रीति कई और बॉलीवुड फिल्मों में नजर आईं, जिसमें आवारा पागल, दीवाना, चांद के पार चलो, वाह तेरा क्या कहना, एलओसी कारगिल जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। हालांकि प्रीति झिंगियानी को फिल्म मोहब्बतें जैसी सफलता किसी और फिल्म में नहीं मिली, जिसके बाद वो फिल्मों से दूर हो गईं। अब प्रीति बच्चों की परवरिश में बिजी हैं। उन्होंने भले ही इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।